हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा, आज आपको क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 जो 21 अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन में आया, ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो ऑर्डिनेंस एक्ट है, भारतीय दंड संहिता में संविधान संशोधन किया गया है। आपने अभी सुना होगा जो कठुआ में जो बच्ची के 8 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार की घटना हुई, इसके बाद और अन्य प्रदेशों में भी बलात्कार की घटना हुई। आपने देखा होगा कि जब एक बार बलात्कार की घटना यदि हाईलाइट हो जाती है तो लगातार महीने भर तक कोई घटना चलते रहती है। तो उसी क्रम में बहुत ज़्यादा हंगामा मचा निर्भया घटना के बाद, कांड के बाद जो दिसंबर 2012 में हुई थी, उसके बाद बहुत बड़ा हंगामा देश में मचा और लोगों का ध्यान गया और सरकार भी चिंतित हुई, समाज चिंतित हुआ कि इस तरीके से 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है। तो लोग चिंतित हुए, सबके माता पिता चिंतित हुए, समाज चिंतित हुआ। अंततः सरकार जागी और सरकार ने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 पास किया, जिसके लिए सरकार ने कोई विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा तो अभी चल नहीं रही थी संसद, अचानक सरकार ने एक अध्यादेश के माध्यम से कानून में संशोधन किया। भारतीय जो संविधान है उसकी अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो अध्यादेश लाके अचानक कानून में आवश्यकता पड़ने पर सरकार के कहने पर कानून बना सकता है। सरकार ने भारतीय दंड संहिता 1860 में संशोधन किया। ये संशोधन में क्या विशेष बात है, ये आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो जो 8 साल की बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था कठुआ वाले मामले में, जम्मू कश्मीर में, उसको लेकर सरकार चिंतित थी, समाज चिंतित था। तो सरकार ने जो अमेंडमेंट किया है उसके लिए बड़े जो संशोधन किया है भारतीय दंड संहिता में, उसमें द इंडियन पिनल कोड 1860 में और इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर भारतीय अपराध संहिता, द क्रिमिनल ऑफ प्रोसीजर ऑफ 1973 अपराध प्रक्रिया संहिता पे संशोधन किया, और द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस 2012 पोस्को एक्ट 2012 में भी संशोधन किया गया। इस प्रकार से संशोधन किया गया। और क्या क्या संशोधन हुआ और क्या खास बात है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। खासकर 12 साल से कम उम्र की जो बालिका है उसके साथ यदि कोई व्यक्ति अब बलात्कार करेगा तो उसको 20 वर्ष से कम से कम 20 वर्ष की सजा होगी। पहले ये प्रावधान नहीं था। पहले क्या प्रावधान था? पहले ये प्रावधान था 7 वर्ष तक का, ठीक है। अब ये 7 से बढ़ा के इसको 20 वर्ष की सजा कर दी गई और जो आजीवन कारावास तक हो सकती है। इसमें और भी प्रावधान किए गए हैं, जैसे आईपीसी भारतीय दंड संहिता की 376(1) बलात्कार की सजा 7 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई, 10 वर्ष का कठोर कारावास, ठीक है। और ये कारावास केस और परिस्थिति को देखते हुए आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके बाद आईपीसी 376 में एक सबसेक्शन 3 जोड़ा गया जिसमें 16 वर्ष से कम उम्र की बालिका के साथ रेप करने पर कठोर कारावास जो 20 वर्ष से कम का नहीं होगा। यह सजा प्रकरण और केस के आधार पर, अलग अलग केस में अलग अलग परिस्थितियां तो होती है, इसके आधार पर यह सजा आजीवन मृत्यु तक, आजीवन कारावास यानी मृत्यु तक कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। आजीवन कारावास में स्पेशल एक्ट में लिखा गया है अब कि ये जो आजीवन कारावास है मतलब जेल में ही उसकी मृत्यु होगी, मतलब मृत्यु पर्यंत तक कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। तो ये सेक्शन आईपीसी 376(3) सबसेक्शन जोड़ा गया है जिसमें 16 वर्ष से कम की बालिका को यदि कोई बलात्कार करता है तो 20 वर्ष की सजा है, ठीक है, जो आजीवन कारावास तक मतलब जेल में मृत्यु तक बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद देखते हैं आईपीसी 376(a) में सेक्शन ए भी जोड़ा गया है जिसमें 12 वर्ष से कम की बालिका के साथ रेप करने पर उसे कठोर कारावास जो कम से कम 20 वर्ष होगी और यह सजा आजीवन मृत्यु के कारावास तक बढ़ाई जा सकती है। कई केस जो होते हैं रेयर ऑफ रेयरेस्ट होते हैं, दुर्लभ से दुर्लभ होते हैं, जो अपराधी है ऐसा घिनौना कृत करता है तो उसमें आजीवन कारावास से मृत्यु तक की बात होगी, मतलब आजीवन कारावास तक मृत्यु, इसमें कहीं पर भी फांसी की सजा की बात नहीं आई, याद रहे। आईपीसी 376(d) में सेक्शन DA जोड़ा गया है जिसमें 16 वर्ष से कम की बालिका के साथ कोई सामूहिक रेप करने पर, यदि 16 वर्ष की बालिका के साथ कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह, ठीक है, सामूहिक बलात्कार करेगा, सामूहिक रेप करने का प्रयास करेगा तो आजीवन कारावास की सजा होगी। इसमें 20 वर्ष नहीं लिखा है, इसमें लिखा आजीवन कारावास की सजा जो मृत्यु तक कारावास की होगी, मतलब जेल में ही मृत्यु होगी, ठीक है।
आजीवन कारावास, जैसे किसी व्यक्ति को 20 वर्ष की सजा के बारे में लिखा जाता है, इसका ये मतलब नहीं होता कि 20 वर्ष की सजा होगी, उसको सरकार अलग, यदि उसका अच्छा कार्य व्यवहार हो, कार आचरण अच्छा रहता तो 20 वर्ष के बाद जो है उसको सरकार छोड़ देती है, लेकिन इसके लिए अलग से आदेश पारित करना पड़ता है, अदरवाइज उसको आजीवन कारावास ही रहना पड़ता है जेल में। भारतीय दंड संहिता के 376 डी में एक सेक्शन डीबी जोड़ा गया है, डीबी, जिसमें 12 वर्ष से कम की बालिका के साथ सामूहिक रेप करने पर आजीवन कारावास की सजा, जो मृत्यु तक कारावास की होगी, मतलब जेल में ही होगी। यदि 16 वर्ष से कम की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होगा या 12 वर्ष से कम की बालिका के साथ सामूहिक बलात्कार होगा तो आजीवन कारावास की सजा, जो मृत्यु तक कारावास की होगी, ठीक है, मतलब जेल में ही मृत्यु होगी। इस तरीके से कठोर प्रावधान किए गए हैं और पॉस्को एक्ट में भी तब्दीली की गई है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सजा बढ़ाने से कोई, आपको लगता है समाज में बलात्कार कम हो जाएंगे? मेरा ऐसा मानना है कि सजा बढ़ाने से समाज में, या किसी को फांसी देने से, अभी तो फांसी के प्रावधान किए ही नहीं गए हैं, यदि फांसी के प्रावधान भी कर दिए गए तो इसमें जो कोई बदलाव नहीं होगा। ये जो काम है, अपराध है, यौन हिंसा है, ये एक मानसिक और जो है मनोवैज्ञानिक बीमारी है। समाज को इसमें बैठ के और सरकार को बैठ के ये मनोवैज्ञानिक बीमारी को कैसे दूर करना है, इस विषय पर विचार करना पड़ेगा। खासकर बुद्धिजीवी लोग, खासकर स्कूल के शिक्षक, कॉलेज के शिक्षक, इनको विचार करना होगा। और ऐसे व्यक्ति जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं, खासकर उन लोगों पे ध्यान देना होगा, और ऐसा वर्ग जो ऐसा करता है काम, उस पर ध्यान देना होगा। एक गंभीर मुद्दा है। मुझे लगता है कि किसी फांसी की सजा देने से बलात्कार कम हो जाएंगे देश में, ऐसी मेरी सोच नहीं है। ये गंभीर मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, मनोवैज्ञानिक मुद्दा है। किस कारण से समाज में ये चीज़ें फैल रही है, क्या सेक्स के विषय में इतनी ज़्यादा भ्रांतियाँ है हमारे समाज में, क्या सेक्स से लोगों को इतना दिमाग में जहर, सेक्स को लेके इतना काम वासना है लोगों के दिमाग में, क्या सब हो रहा है, क्या मोबाइल में फिल्में देखने से हो रहा है, ऐसे हजारों कारण हो सकते हैं। ये मंथन का विषय है, तभी समाज में बदलाव आएगा। हमारे समाज में सेक्स को लेके जो बेहद गंभीर किस्म की बंदिशें हैं, शायद वो कारण तो नहीं है, ऐसे सैकड़ों कारण हो सकते हैं। एक रिसर्च का विषय है, सरकार को इस विषय गंभीरता से सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति की 30 साल तक शादी नहीं होती, 35 साल तक शादी नहीं होती, केवल इसलिए शादी नहीं होती है उसकी कि वो बेरोजगार है, तो क्या इस बीच में उसको सेक्स की जरूरत नहीं होती? आपको याद होगा, सेक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आदमी को 13 साल से 18 साल की उम्र तक, तब वो तो पढ़ाई करते रहता है। इसके बाद 18 से 25 साल तक जब दूसरी उसकी आवश्यक उम्र होती है, उस समय भी वो कंपटीशन की तैयारी करता रहता है या बेरोजगारी करता रहता है। क्योंकि वो बेरोजगार है, और जब तक उसका, उसको कोई जॉब नहीं होगा, जब तक उसकी मैरिज नहीं होगी, और मैरिज नहीं होगी तो उसकी काम वासना की पूर्ति नहीं होगी। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। आपने देखा होगा कि हमारे समाज में कुछ जमाने में बाल विवाह हुआ करता था, या कम उम्र में विवाह हो जाया करता था, तो तब बलात्कार की घटनाएं नाम मात्र की थी। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे समाज में और हिंदू धर्म में बहु विवाह की प्रथा थी, कि लोगों को 4-5 विवाह करने की बात थी, जो अब संभव नहीं है। इस्लाम में, मुस्लिम धर्म में भी 4 से 4 विवाह करने की आज़ादी थी, वो भी संभव नहीं है। तो एक मनोवैज्ञानिक विषय है कि कोई व्यक्ति ऐसा घिनौना काम कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या उसका मनोविज्ञान चल रहा है, क्या चीज़ चल रही है, कहाँ से वो ट्रेनिंग ले रहा है, उसके मोबाइल में क्या भरा है, वो क्या देखता है, क्या पढ़ता है, क्या सोचता है, किस चीज़ से प्रभावित होता है, एक तो मनोवैज्ञानिक बातें हैं। जब तक कॉलेज में, स्कूल में इस विषय में पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं होगी, तब तक मुझे ऐसा लगता नहीं होगा। अदरवाइज आप लगातार ऐसे कानून बना, निर्भया के बाद भी कानून बने, आपको लगा, लोगों को लगा होगा क्योंकि सजा कोई कम हो जाएगी, नहीं, निर्भया के बाद भी कोई सजा कम नहीं हुई। निर्भया के केस के बाद भी कोई भी किसी प्रकार के बलात्कार के केस में कोई कमी नहीं आई। और आपने देखा होगा कि जब एक मीडिया में कोई बलात्कार का मुद्दा आता है तो पूरे देश से, चारों तरफ से खबरें आने लगती है। इसका ये मतलब है आज भी हमारे देश में लगातार बलात्कार हो रहे हैं, और हमारा जो हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, कई केस में अपराध में पुलिस थाने में FIR हो ही नहीं रही है, तो हमको पता ही नहीं लगता कि कहाँ क्या घटना हुई। जैसे मीडिया के संज्ञान में आने लगता है, नेशनल मीडिया में चलने लगता है, इसके बाद घटनाएं लगातार उभर कर सामने आने लगती है। इससे यह प्रतीत होता है कि कहीं ना कोई
गड़बड़ जरूर है, जो ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ आज भी FIR नहीं लिखी जाती है और अपराध जो है चुपचाप चलते जाते हैं, अपराध होते जाते हैं। तो मुझे लगता है कि गंभीर मनोवैज्ञानिक सामाजिक मुद्दा है जिसमें गहन चिंतन होना चाहिए और चिंतन से जरूर कुछ ना कुछ निकलेगा। स्कूल में कॉलेज में ये सब चीज़ें बहुत गंभीरता से होनी चाहिए, जरूर निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। धन्यवाद फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसे लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे और प्रोत्साहन मिले, और कोई कमेंट हो तो लिखिए, कुछ मेरे बोलचाल में कमी होगी तो वो भी बताइए जिससे कि मैं सुधार कर सकूँ। थैंक